हेलो दोस्तों, लोजी फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है क्विक वर्स। और दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ नेपाल के सेकंड मैच के बारे में। तो भाई आज की मैच के बारे में बात करूँ तो दोस्तों आज मेरा दिल खुश हो गया। मतलब जैसा मैं चाहता था नेपाल की टीम खेले और वैसे ही आज नेपाल की टीम ने प्रदर्शन किया। चाहे हम बॉलिंग की बात करें, चाहे बैटिंग की बात करें या फील्डिंग की बात करें, मतलब तीनों ही डिपार्टमेंट में आज नेपाल ने बहुत अच्छा खेल दिखाया। और सबसे बड़ी बात यार, आज मुझे खुशल मल्ला का जो गेम है वो बहुत प्यारा लगा। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त खेला खुशल मल्ला ने। बैटिंग जब किया तो 13 बॉल पे 34 रन बनाए और क्या छक्के मारे तावर तोड़। फिर उसके बाद में अगर बॉलिंग में आए तो बॉलिंग में 15 रन देकर 3 विकेट लिए। तो मतलब अब ये बताइए, मतलब ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस ही है और ये इससे अच्छा बेहतर क्या हो सकता है। मतलब दिल खुश कर दिया आज खुशल मल्ला ने। और उसके साथ में अगर हम बात करें तो दोस्तों आज क्या क्या हुआ उसके बारे में आज हम बात करते हैं और किसने कितने कितने रन बनाए वो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये सारी बातें करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक होता है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आइए दोस्तों फिर बात करते हैं आज के मैच के बारे में। तो दोस्तों आज नेपाल ने पहले बैटिंग की और नेपाल ने बैटिंग करते हुए खुशल भुरतेल ने आज आयरलैंड का भुरता निकाल दिया। मतलब कल जो था वो थोड़ा सा स्लो खेल रहे थे और थोड़ा सा अपने आप को टिक के खेलने की कोशिश कर रहे थे। एक दूसरा हमने चेहरा देखा था खुशल भुरतेल का और लग ही नहीं रहा था कि खुशल भुरतेल खेल रहे हैं, क्योंकि मतलब उनका जो टेम्परामेंट रहता है वो मारने का रहता है। चाहे कैसी भी बॉल आई को बस बाउंड्री के पार में पहुंचाना है, तो उनका ये टेम्परामेंट रहता है। लेकिन कल जो था इतना स्लो खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था एक टाइम में यार कि नहीं यार खुशल भुरतेल ही नहीं है, किसी और को देख रहा हूँ, ऐसा कुछ मुझे महसूस हो रहा था। तो लेकिन आज वो नहीं रहा, आज इन्होंने 16 बॉल पे 25 रन बनाए और 2 चौके मारे और 2 छक्के मारे। मतलब बहुत ही कमाल का खेला, लेकिन थोड़ी और बड़ी पारी हो जाती तो मजा आ जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, 30-30-45 भी अगर बन जाते हैं एक प्लेयर से तब भी वो बुरा नहीं है। अब बात करते हैं आसिफ शेख की। आसिफ शेख आज थोड़ा मारने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर उन्होंने 9 बॉल पे 11 रन बनाए, 1 चौका 1 छक्का मारा और एक गलत शॉट की वजह से कैच आउट हो गए दोस्तों। फिर उसके बाद बात करते हैं अनिल शाह। अनिल शाह की तो बैड लक ही चल रहा है, एक बुरा दौर चल रहा है हम कह सकते हैं। 11 बॉल पे 12 रन ही बना पाए, जिसमें कि 2 चौके मारे, गलत तरीके से उन्होंने शॉट मारा और कैच आउट हो गए। और बात करें गुलशन झा की, गुलशन झा का आज अगर गेम की बात करें तो उन्होंने 32 बॉल पे 46 रन बनाए और 1 चौका और 4 छक्के मारे। बैटिंग अच्छी की कोई डाउट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर तरीके से जो शॉट मारते हैं ना नहीं है। मतलब जो बॉलर को समझने वाली बात है वो कहीं ना कहीं फेल से मुझे लगता है वहाँ पे, कहीं ना कहीं इनको जरूर वर्क करना चाहिए और थोड़ा सा शॉट सिलेक्शन में भी थोड़ा सा जरूर ध्यान देने की जरूरत है। मतलब ये ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत आसानी से फंस जाते हैं, कि मैंने पहले भी बहुत कहा है कि बहुत बार कहा है कि इनमें पोटेंशियल बहुत है, बहुत सही एक ऑलराउंडर के रूप में आगे काम आ सकते हैं टीम के लिए। तो आइए बात करते हैं रोहित पौडेल। रोहित पौडेल ने आज बहुत अच्छा साथ दिया, इन्होंने आज 24 बॉल पे 33 रन बनाए, जिसके 5 चौके मारे। जो इन्होंने पारी खेली वो बहुत ही सूझबूझ और समझदारी से पारी खेली। पिछली बार जैसे रोहित पौडेल जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत टिक्की खेला और बहुत अच्छे शॉट मारे और लास्ट में थोड़ा सा बस पारी को थोड़ी तेज करने के चक्कर में कैच आउट हो गए। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो रोहित पौडेल ने आज अच्छी बैटिंग की है, नो डाउट। आगे हम बात करते हैं खुशल मल्ला। खुशल मल्ला नंबर 1 प्लेयर, मतलब इनकी बैटिंग देख के मुझे बहुत मजा आता है। बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और जिस तरह से इनके छक्के मारने का जो अंदाज है वो बहुत ज्यादा मुझे पसंद आता है। अगर आपको भी ऐसे ही लगता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि आपको कितना पसंद है खुशल मल्ला का गेम। दोस्तों फिर बात करते हैं आज संदीप जोरा। मतलब कल भी इन्होंने अच्छा खेला, आज भी इन्होंने अच्छा खेला। पारी हाँ कह सकते हैं छोटी थी, लेकिन नो डाउट मतलब उनकी जो गेम है, उनकी सिलेक्शन, शॉट सिलेक्शन मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत सही खेलते हैं और आज इन्होंने दिखा दिया। 10 बॉल पे 21 रन बनाए, 3 चौके मारे, 1 छक्का मारा, गजब की पारी खेल गया। और बात करते हैं विवेक यादव, उनके पास में कुछ ज्यादा था नहीं, 8 बॉल में 7 रन बनाए और रन जो बने हैं दोस्तों वो कमाल के रन बने, 198। मतलब आप ये सोचिए कि T20 में 198 कोई छोटा मोटा स्कोर नहीं है, 7 विकेट के नुकसान पे ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कमाल का स्कोर बनाया है, वो भी आयरलैंड कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। हाँ हम कहने के लिए बोल सकते हैं भाई ए टीम है, ये कोई सीनियर टीम नहीं है, लेकिन सीनियर टीम के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, तो हम कहीं भी ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये कोई छोटी मोटी टीम है और कमजोर टीम को हरा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें आज आयरलैंड की तरफ से स्कोर बोर्ड में हम देखें तो स्टेफन डॉनी, जिन्होंने आज 26 रन बनाए, कल इन्होंने बहुत अच्छा खेला था और आज भी इन्होंने 26 रन बनाया। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें तो मॉर्गन टॉपिंग है जो वो 21 रन बना पाए 26 बॉल खेलकर, बाकी जितने भी हैं सभी छोटे छोटे स्कोर पे आउट हो गए और पूरी जो टीम है वो 127 रन बनाकर ऑल आउट हो गई दोस्तों। और अगर बात करें हम अपनी तरफ से जो बॉलिंग की बात करें, करण केसरी ने 3 ओवर किए जिसमें 1 विकेट लिया और सोमपाल कामी ने 2.3 ओवर किए जहां पर उन्होंने 17 रन देके 3 विकेट लिए। खुशल मल्ला ने आज
तीन ओवर करके 15 रन देकर 3 विकेट लिए। गुलशन झा आज कोई विकेट नहीं ले पाए, 2 ओवर किए 12 रन दिए। कुशल भुरतेल जिन्होंने 3 ओवर किया और 20 रन दिए, 1 विकेट लिया। और अविनाश बोहरा के पास में आज कोई विकेट नहीं आई है, जहां पर 3 ओवर किए 18 रन दिए। और रोहित पौडेल उन्होंने भी 1 ओवर किया 11 रन दिए, थोड़े खर्चीले साबित हुए हैं यहां पर। और विवेक यादव जिन्होंने 1 ओवर किया 9 रन दिए, 1 विकेट लिया। तो ये पूरा बॉलिंग का कार्ड था दोस्तों। तो आज ऑब्वियसली नेपाल ने बहुत ही जबरदस्त खेला है और मुझे लगता है कि अगर ये नेपाल इस तरह से खेलती रही तो आगे नेपाल का जो भविष्य है वो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से जरूर चालू हो गई है दोस्तों, क्योंकि यही जो टीम होगी वो आगे जाएगी और जो तमाम जो गेम है जो वर्ल्ड कप में होने वाले हैं उसके लिए एक पूर्व तैयारी है दोस्तों। ये आज नेपाली टीम को इस जीत के लिए बड़ी बड़ी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बाकी अगर आप क्या कहते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। इसी के साथ में आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना।